आज नारायणपुर तहसील के अंदर विधायक शंकुतलाल रावत के कैबिनेट मंत्री बनने के बाद भला आगमन हुआ। अपर जनसमूह जितना की शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। जगह जगह पर जयपुर से स्वागत शुरू हो गया था। विराटनगर, घाटा, बांद्रोल, मालूताना, नारायणपुर में बहुत बड़ा समारोह आयोजित किया गया, जिसके अंदर माननीय शंकुतलाल रावत और क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि, नारायणपुर सरपंच, गढ़ी सरपंच, करखड़ी सरपंच एवं सभी पंचायत समिति सदस्य एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। सर्वप्रथम चांदी का मुकुट बनाकर उनका स्वागत किया। 51 किलो की माल्यार्पण करके उन्होंने मांग की, हमारी क्षेत्र की सभी समस्याओं को औद्योगिक एवं देवस्थान मंत्री होने के नाते क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा उद्योग धंधे लगाकर युवा को रोजगार दिलाया जाए। साथ ही मीडिया जगत की प्रमुख मांग कुशालगढ़ से नारायणपुर रोड का कार्य शुरू करवाने के आदेश मौके पर ही जारी किए गए। पूर्व में तो ठेकेदार था, वहां कार्य निष्पादन नहीं कर पा रहा था, इसीलिए अन्य ठेकेदार को मौके पर ही आदेश देकर के कार्य सुचारू करवा दिया गया है। जगह जगह पर हर्ष और गर्व के साथ स्वागत होता रहा, जयकार लगाते रहे। उनका स्वागत समारोह अपने आप में अनूठा था। अपने वस्तमतम तीन चर्चा के बावजूद दिव्यांग जगत के संवाददाता को अपने आगामी कार्यों के बारे में बताया। उनकी शालीनता इसी बात से दर्शा की रही है कि मातृशक्ति होने के बावजूद रास्ते में गाड़ी रोक करके दिव्यांग जगत के लिए स्पेशल रूट से बाइट देने को तैयार हो गई, और जबकि रात बहुत हो गई थी। आशा है इस क्षेत्र का विकास अब अपने सर्वोच्च स्तर को प्राप्त करेगा। यहाँ की सरपंच साहिबा, मम्मी देवी जी। रिपोर्टर भरत कुमार शर्मा, नारायणपुरा।